मेन कैरेक्टर एंड अतुल कुलकर्णी एंड मतलब व्यास और विनय आप्टे एंड रघुवीर यादव। मेरा कैरेक्टर लड़की का है जो बार में डांस करती है, जो मतलब उसका कमाई का जरिया ये है, बार में शी इज अ डांसर। भाई गिरी मेरा व्यवसाय है इस फिल्म में, और ये फिल्म मतलब इंडिविजुअल उनकी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप और जो समाज है उनके इर्द गिर्द, उस समाज के साथ उनकी जो रिलेशनशिप होती है, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, एक बार गर्ल है और एक भाई है जो मतलब उनकी शादी हो जाती है, उनकी फैमिली है, तो उस फैमिली की स्टोरी है ये बेसिकली। मैं हमेशा चाहता था कि कुछ हटके करूँ, मैंने एक रेगुलर फिल्म ना बनाऊँ, तो ऐसे एक दो बार बियर बार में मैं गया था, मुझे एक फील आया कि मुझे कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए, किसी ने आज तक इसको टच नहीं किया इस सब्जेक्ट को। एंड लेडी सेंटिमेंट हुआ था इसके अंदर, मैंने एक एक औरतों का, एक एक लड़की का जो ट्रॉमा है, तो वो ट्रॉमा देखने के बाद ऐसा ये पिक्चर वी शुड पुट ऑन द सेलुलॉइड। तो ट्रॉमा तो वैसे कहीं औरतों का आया तो, लेकिन हमने जो मुमताज़ कैरेक्टर है तब्बू का, प्रोटैगनिस्ट है मेरी पिक्चर की, उसको कैरेक्टर को डेफिनेट पकड़ के हम चले, और उसके इर्द गिर्द बाकी लड़कों के साथ भी ट्रॉमा क्या क्या होता है उनके, तो ये बहुत ही मैंने सोच समझ के बनाई हुई स्क्रिप्ट बनी है। इट्स सेड दैट अबाउट 100,000 गर्ल्स आर देयर इन बॉम्बे वर्किंग इन दिस प्रोफेशन and people from all over the country, they come and to the beer bar in the evening to have a drink, watch these girls dancing. It is quite surprising so many people go here, watch them, spend so much money on them, and so many girls are lured into this. I've seen girls coming with a bodyguard, and you know, even that status here also, you have status of girls, you know, like the Hindi artists like Madhuri Dixit is there, then the lower grade artists are there. Here also you have number one dancers who come in their own cars with the bodyguards and other things. It was quite interesting, and their personal life also was quite amazing, you know, like it was quite shocking. Thank you.